पूरे देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार पहुंच चुका है। जी हां, 83 इस बीमारी से उनकी जान जा चुकी है। अकेले मुंबई में है कोरोना का संक्रमण बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 8 की मौत और 103 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना सबसे तेजी से पैर पसार रहा। मुंबई में कोरोना अटैक, 24 घंटे में 8 मौतें, 103 नए मरीज। मुंबई में कोरोना से कुल 30 मौतें, 458 मरीज। बीते 24 घंटे में माया नगरी मुंबई में कोरोना वायरस ने जमकर कहर ढाया है। इस दौरान 8 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि वायरस ने 103 नए लोगों को संक्रमित कर दिया है। मुंबई में कोरोना के खिलाफ 30 लोग जंग हार चुके हैं, जबकि 458 लोग बीमारी से अस्पतालों में जूझ रहे हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 113 नए मरीज मिलने से हाहाकार मचा है। सूबे में अब तक 748 लोग कोरोना बीमारी की चपेट में हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 45 हो गया है। यहां बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की सांसें टूट चुकी हैं। कुछ नासमझ और कुछ मूर्ख लोग जो है अभी तक का इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं मस्जिद के नाम से, कहीं मंदिर के नाम से, किसी धार्मिक स्थल के नाम से बाहर निकलते हैं, जमा होते हैं। तो अभी हमने स्ट्रिक्ट आदेश दिया है, जब सारी धार्मिक स्थलों को पूरे मुंबई नहीं पूरे देश में बंद रखा गया है, तो उसके नाम से अगर कोई भी बाहर निकलेगा और जमा होगा तो उसके ऊपर जो है फौजदारी कार्रवाई करके उनके ऊपर जो है गुनाह दाखिल करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। इंदौर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमले की इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। शहर के जिस टाट पट्टी बारखल इलाके में स्क्रीनिंग करने गई टीम पर हमला हुआ था, उसी इलाके में 10 कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें 5 महिला और 5 पुरुष हैं, जिनकी उम्र 29 से 60 साल के बीच है। बीते 24 घंटे में इंदौर में कोरोना से 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि शहर में कोरोना अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। हरियाणा में 74 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में 6 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 4 तबलीगी जमात के हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 128 तक पहुंच गया है, जिनमें 6 नए मरीज हैं। तेलंगाना में कोरोना के 283 मरीज हो चुके हैं, जिनमें 62 नए मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 252 हो चुके हैं, जिनमें 49 नए मामले हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की संख्या सैकड़ा पार करते हुए 106 तक जा पहुंची है, जिनमें 14 नए मरीज हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना ने अब पूरे देश को अपनी जद में ले लिया है। सबको मालूम है कि समय कठिन है और वायरस खतरनाक है, इसलिए अपने आप को बचाइए, घर में रहिए, कहीं ना जाइए। आज तक ब्यूरो।